लोकसभा से निलंबित हो सकते हैं राहुल गांधी, स्पीकर के पास पहुंची भाजपा कमेटी बनाने की मांग। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ब्रिटेन में भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर दिए अपने बयानों पर घिरते नजर आ रहे हैं। सरकार और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने उनसे माफी की मांग की है। राहुल अगर माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की पहल भी की जा सकती है। उन्हें संसद से निलंबित करने की संभावना तलाशने के लिए बीजेपी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से संपर्क साधा और विशेष समिति बनाने की मांग की है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि यह सिर्फ विशेषाधिकार का मुद्दा नहीं है, यह उससे बहुत आगे की बात है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा है कि बीजेपी ने 2005 में कैश फॉर क्वेरी स्कैंडल की जांच के लिए गठित पैनल की तर्ज पर एक विशेष समिति गठित कराने के लिए स्पीकर से संपर्क किया है। यदि एक समिति का गठन किया जाता है तो भाजपा के पास लोकसभा में बहुमत है। आपको बता दें कि विशेष समिति आमतौर पर एक महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इससे पहले केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था, बीजेपी राहुल गांधी के मुद्दे को बहुत गंभीर मानती है, यह विशेषाधिकार के मुद्दे के ऊपर की बात है। हम चाहते हैं कि इसे गंभीरता से लिया जाए। मेरी पार्टी सभी नियमों और परंपराओं का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। राष्ट्र से जुड़ी कोई भी चीज सभी के लिए चिंता का विषय है। अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देश का अपमान करते हैं तो हम चुप नहीं रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा उससे देश को नुकसान हुआ है, इससे सदन को नुकसान पहुंचा है। कुछ लोगों को देश की प्रतिष्ठा की परवाह नहीं है। भाजपा के द्वारा माफी की मांग पर राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने कोई भारत विरोधी बात नहीं कही है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे अनुमति दी गई तो मैं संसद में बोलूंगा। वहीं दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर यौन उत्पीड़न पीड़ितों के बारे में जानकारी मांगी है, जिनका जिक्र उन्होंने कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किया था। एक अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने उनकी टिप्पणियों पर संज्ञान लिया है। पुलिस उन अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहती है।